नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल गोयल आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और वीडियो लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि वे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्लम टेस्ट ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करते हैं। तो जानने के लिए आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो को बिना स्किप करें देखें, और अगर आप हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसी ही बेहतरीन जानकारी लाते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्लंप कंक्रीट की वर्केबिलिटी और फ्लूडिटी की एक मेजरमेंट है। यह कंक्रीट कंसिस्टेंसी और स्टिफनेस की एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। मींस स्लंप टेस्ट एक मेथड है कंक्रीट की कंसिस्टेंसी डिटरमाइन करने का। तो जो कंसिस्टेंसी और स्टिफनेस होती है वह यह इंडिकेट करती है कि मिक्स में कितना पानी यूज किया गया है, क्योंकि कंक्रीट मिक्स की स्टिफनेस फिनिश्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी से मैच होनी चाहिए। तो इसीलिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंक्रीट स्लंप टेस्ट को अफेक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग और कंक्रीट प्रोसेस में यूज होने वाले इक्विपमेंट जो कंक्रीट स्लम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। दूसरा है कंक्रीट में केमिकल एडमिक्सचर का डोजेज, टाइप और कॉम्बिनेशन। तीसरा फैक्टर है कंक्रीट में यूज होने वाले मटेरियल्स और उनकी प्रॉपर्टीज, जैसे मटेरियल की फाइननेस, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मॉइस्चर कंटेंट, एग्रीगेट की ग्रेडिंग साइज, टेक्चर, क्लीनलीनेस और एग्रीगेट का मॉइस्चर कंटेंट। फोर्थ है कंक्रीट का खुद का टेम्परेचर और इसका सराउंडिंग टेम्परेचर। नंबर फाइव, एयर कंटेंट मींस वॉइड्स ऑफ कंक्रीट। सिक्स्थ है सैम्पलिंग ऑफ कंक्रीट मींस स्लंप टेस्ट करने की टेक्निक और टेस्ट इक्विपमेंट की कंडीशन। सेवन्थ, कंक्रीट के मिक्सिंग का टाइम और सैंपल टेस्टिंग का टाइम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एट्थ, कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशो भी एक ग्रेट फैक्टर है। और नाइन्थ, कंक्रीट में किस टाइप की सीमेंट यूज की गई है और सीमेंटीशियस मटेरियल का टेम्परेचर भी कंक्रीट स्लम टेस्ट को अफेक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वे नौ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कंक्रीट स्लम टेस्ट को अफेक्ट करते हैं, जो एज अ गुड सिविल इंजीनियर आपको जरूर पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए हैं और ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल में इंजीनियरिंग सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।